अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर 2 ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनक्वालिटीज़, एक्सरसाइज 5A हमने स्टार्ट की हुई है। लेक्चर फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व आउट किया, ठीक है। हमने देखा कॉन्स्टेंट्स को कैसे आपने राइट हैंड साइड पर मूव करवाना है, उनके साइंस चेंज करने हैं, वेरिएबल को कैसे सेपरेट करना है आपने, देन उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने, ठीक है। कैंसिलेशन सीखी हमने, देखा कि टेबल को रीड आउट करना है आपने, फिर कैंसिलेशन करनी है, और अननोन वेरिएबल एक्स या वाई आपके पास हैं तो उनकी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा कि आपके पास लेफ्ट राइट बो साइड्स पे क्या थे, वेरिएबल इन्वॉल्व थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, तो आपने क्या किया, वेरिएबल्स को एक साइड पे इकट्ठा किया, कॉन्स्टेंट्स आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज थी उनको आपने एक साइड पे इकट्ठा किया, देन उनको आपने फिर सिंप्लीफाई करके अननोन वेरिएबल का आंसर फाइंड आउट किया। अब क्वेश्चन 4 हम करते हैं सॉल्व आउट। क्वेश्चन 4 में आपके पास है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, 2 × x + 3 = 8। इसमें आपके पास क्या है टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं जिसमें आपके पास वेरिएबल भी एग्जिस्ट कर रहा है, आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यूज भी हैं, ठीक है। आपके पास टर्म्स जो सी हैं वो एक ब्रैकेट्स के अंदर राइट हैं, ठीक है। उनके साथ आपके पास डिजिट राइट है मल्टीपल फॉर्म में, देन राइट हैंड साइड पर भी आपके पास कॉन्स्टेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वेरिएबल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल फॉर्म में भी हैं, सिंपल भी हैं, आपके पास वेरिएबल भी हैं और आपके पास कॉन्स्टेंट्स भी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व आउट करेंगे, देन आपने फिर एक्स का जो अननोन आपके पास एक्स वेरिएबल है उसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट ए करते हैं, 2 × x + 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व आउट करना है, ब्रैकेट खत्म करेंगे तो ये 2 बाहर क्या हो रहा है इनके साथ, इस टर्म के साथ, पूरी टर्म के साथ, ये ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ हैं इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जब ब्रैकेट खत्म हो जाएगी तो 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम ब्रैकेट खत्म करेंगे तो 2 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या वैल्यू बन गई, 2x बन गई, ठीक है। 2 ब्रैकेट को जब आपने ख़त्म किया तो 2 अंदर वाली फर्स्ट टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ तो ये यहाँ पे क्या आ गया, 2x, देन प्लस का साइन, अब 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3 × 6 आ गया, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड पे आपने 8 को वैसे ही राइट कर लिया। तो अब इस फॉर्म के क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व आउट करना सीख चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे हम, 2x को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, 6 को जब आप राइट पे मूव ऑन करवाओगे तो ये प्लस का 6 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2x = 8 - 6 आपके पास क्या आंसर आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। देन आपने फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है, तो x के साथ क्या राइट है, 2, तो आप बोथ साइड्स पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x / 2 = 2 / 2। कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x = 2 2 1 2, तो x आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो दोबारा इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, हमने क्या किया है, हमने ब्रैकेट को जब ख़त्म किया, ब्रैकेट ऑफ की, तो आपके पास ब्रैकेट के साथ क्या राइट था, पहले 2 राइट था, यानी 2 क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2x आ गया, प्लस का साइन, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6, और 8 को राइट हैंड साइड पर इक्वलिटी के साइन के साथ वैसे ही आपने मूव ऑन करवा दिया, ठीक है। अब 6 को जब राइट हैंड साइड पे मूव करवाया तो ये प्लस 6 था तो यहाँ क्या हो गया, -6 हो गया। तो यहाँ आपके पास रिमेनिंग क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2x, फाइंड क्या करना है, आपने x फाइंड करना है, x के साथ क्या राइट है, 2, तो बोथ साइड्स पे 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो x आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एक और इसका पार्ट करते हैं, 7 × -2x + 4 = -4x आपका सी पार्ट है। इसको सॉल्व आउट करते हैं, ब्रैकेट को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ करते हैं तो 7 क्या हो जाएगा, अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 14, ठीक है। जब माइनस को आपने ख़त्म किया तो 7 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 14, और साथ क्या आ जाएगा, x, 7 × 14, साथ क्या आ गया, x। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 2x के साथ कौन सा साइन था, माइनस का साइन था, तो यहाँ पे आंसर में भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -14x, ठीक है। प्लस का साइन आएगा, अब 7 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 7 × 4 = 28, तो ये आपके पास क्या टर्म आ गई, 28 आ गया, ठीक हो गया। इक्वेलिटी का साइन और -4x आपने ऐसे ही राइट हैंड साइड पे राइट कर दिया। अब आपके पास 2 वेज़ हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या कर सकते हो कि वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवा दो या वेरिएबल को आप राइट हैंड साइड पे मूव करवा दो, ठीक है। जब आप फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे तो जब ये -4x लेफ्ट साइड पे आएगा तो यहाँ पे क्या कोई टर्म रिमेनिंग है, नो, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। देखिए ना, -4 को जब आप इस साइड पर लेकेंगे तो यहाँ रिमेनिंग क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं, तो वो यहाँ पर हम क्या राइट कर देंगे, 0 राइट कर देंगे। हाँ, अगर आप यहाँ राइट हैंड साइड
साइड पे मूव करवाना चाहे माइनस 14x को, तो यहाँ फिर रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 28 रह जाएगा। ठीक है, तो हम यूँ करते हैं कि माइनस 14x को राइट हैंड साइड पे मूव करवा देते हैं। ठीक है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लेफ्ट मूव करवाओ आप राइट मूव करवाओ, आपका आंसर क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 28 को राइट कर लेते हैं और माइनस 14 को आप क्या कर लेते हैं राइट हैंड साइड पे जब मूव करवाते हैं, तो यहाँ क्या है माइनस 14x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 14x। ठीक है, और ये साथ माइनस 4x आ गया। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 28 और 14x माइनस 4x, 14 माइनस 4 आप करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 10 और साथ क्या आ जाएगा x आ गया। तो ये क्या आपके पास वैल्यू आ गई 28 इक्वल टू 10x आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है x का आंसर फाइंड करना है, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 10x इक्वल टू 28। ठीक है, दोनों टर्म्स प्लस किए हैं मैंने, जस्ट साइड चेंज कर दिए, साइड चेंज नहीं की मैंने, आपको इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि 10x इक्वल टू 28 लिख दें, 28 इक्वल टू 10x लिख दें। ठीक है, जैसे भी आप लिख दें, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास अगर आप इस तरह देखें कि साइड्स चेंज किए हैं, तो 10x जब लेफ्ट पे आया तो माइनस हो गया, 28 भी जब राइट पे गया तो माइनस, माइनस माइनस कटिंग हो गया, बहुत साइड पे माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या आप ये भी कर सकते हैं शॉर्टकट फॉर्म है कि जब आपके पास दोनों टर्म्स पॉजिटिव हों तो आप दोनों को इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास x के साथ क्या है 10 है, तो आपने 10 को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे बहुत साइड्स पे 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 28 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास ये आंसर आ गया, 10 से 10 से कैंसिलेशन की, 10 वन द 10 हो गया, आपके पास क्या आ गया x आ गया। अब यहाँ पे है 28 बाय 10, तो क्या ये किसी दोनों नंबर्स किसी एक टेबल में आते हैं, या मतलब मीन्स टू से 10 28 को कटिंग कर सकते हैं, तो हमने देखा 10 28 को कटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ सकती, तो देन हम किसी छोटे टेबल पे इनकी कैंसिलेशन कर लेते हैं, तो जब आप 10 को 2 पे कटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 5 द 10, 28 को 2 पे आप जब डिवाइड करेंगे 2 1 द 2 2 4 द 8, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई 14 बाय 5, तो x आपके पास क्या आंसर आ गया 14 बाय 5। तो अब आपके पास आपकी मर्जी है कि इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तब भी ठीक है, आप इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तब भी ठीक है। अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे 14 को आप अंदर राइट करोगे। ठीक है, अंदर राइट क्या ये इसको डिवाइड करोगे 14 को 5 पे, 5 टू द 10 आपके पास आ गया। ठीक है, 5 टू 10 किया आपने, 14 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास आंसर कैसे होता है क्वेश्चन टू रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 2 टू 4 बाय 5, तो x आपके पास क्या आ गया ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में रहने दें तब भी ठीक है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें तब भी ठीक है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई हमने इसे कैसे किया, दोबारा एक दफ़ा इसको देख लेते हैं कि सिंपल हमने ब्रैकेट को ख़त्म किया, 7 था 7 राइट, उसको हमने अंदर वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 टू द 14, 7 माइनस था तो माइनस 14 आ गया, 7 4 द 28 आपके पास आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड पर क्या था माइनस 4x था। ठीक है, तो 28 हमने लेफ्ट पे रहने दिया, माइनस 14x को राइट हैंड साइड पर मूव करवाया, तो ये आपके पास क्या हो गया पॉजिटिव होगी वैल्यू। ठीक है, 14 में से माइनस 4 किया हमने तो आंसर क्या आ गया 10। आपको क्या चाहिए था x की वैल्यू, आप अगर इस तरह भी रहने ना, ये जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे इसको इनको मूव करवा दिया, इनकी अरेंजमेंट चेंज किया, तो आप अरेंजमेंट बेशक चेंज ना करें, आप इसको इस तरह भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, देन लास्ट में आप इस फॉर्म में आंसर लिख दें। ठीक है, तो ये आपके पास 10x है, 10 से आपने बोथ साइड्स पे डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा कैंसिलेशन करके x, तो यहाँ पे 2 के टेबल पे आपने कटिंग की तो आंसर क्या आ गया 14 बाय 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर फ्रैक्शन में बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो आप 14 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप राइट हैंड कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास एक पार्ट हम और कर लेते हैं, आई पार्ट की तरफ चलते हैं, 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी ब्रैकेट एग्जिस्ट कर रही है राइट हैंड साइड पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ऑफ करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 3 आपके पास जो ब्रैकेट्स के अंदर वाले टर्म्स हैं उनके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आपके पास बनेगा 3y प्लस 3 टू 6 आपके पास आ गया। ठीक है, जब ब्रैकेट्स को हमने ऑफ किया तो 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आपके पास आ गया 3y, प्लस का साइन ऐसे ही, 3 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, देन हम राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो 2 को जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2y प्लस 4 टू द 8 आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट और राइट पे टर्म्स आ गई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अब क्या अपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपने वेरिएबल्स को एक साइड पे मूव ऑन करवाना है, तो 2y को हम क्या कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवा लेते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3y
टू वाई जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई प्लस सिक्स आपने ऐसे ही राइट किया, इक्वल टू एट रिमेनिंग रहा राइट हैंड साइड पे, ठीक है। थ्री वाई माइनस टू वाई, थ्री माइनस टू आपके पास क्या आ गया, वन हो गया, तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया, वन वाई आ गया, ठीक है। और ये आपके पास प्लस सिक्स है, जब ये राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एट माइनस सिक्स, ठीक है। तो y आपके पास क्या आ गया, 8 माइनस सिक्स करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो y का आपने आंसर फाइंड कर लिया 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कैसा था, इसमें बोथ साइड्स पे ब्रैकेट्स थे, आपके लेफ्ट राइट आपने ब्रैकेट्स को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद आपने वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन जब उनकी की, उसके बाद आपने वेरिएबल्स को, अच्छा यहाँ पे ये जो स्टेप है ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे करें, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकती हो कि ये जब 2y को यहाँ पे मूव ऑन करवाया तो प्लस 6 को भी उसी स्टेप के साथ आपने ये जो फॉर्म है ये यहाँ भी आ सकती है, ठीक है। आप लेफ्ट और राइट को एक टाइम पे भी डायरेक्ट जब मूव ऑन करवाओगे तो आप इस तरह कर सकते हैं, तो उसमें आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। वो भी ठीक रहता है स्टेप के, आप 2y यहाँ पे मूव ऑन करवा रहे हो और साथ ही 6 भी यहाँ पे मूव ऑन करवा दो, तो डायरेक्ट आपके पास फिर क्या आंसर आ जाता है, 3y-2, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या होता है, 8-6, तो y इक्वल टू 2। फिर ये स्टेप आपके पास नहीं एग्जिस्ट करना था, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी स्टेप्स कर सकते हैं, और उसको अगर स्टेप बाय स्टेप आपने करना है तब भी ठीक है। तो ये हमने तीन पार्ट्स किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं वो आपकी प्रैक्टिस है, आपका होमवर्क है, उसको आप खुद करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपके पास सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इसमें जो आपके पास पार्ट्स हैं, अगर आप गौर से देखें तो आपके पास x के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, मींस टू से के वो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं x के नीचे हैं, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट को देखें, 1/3x मींस टू से कि x बाय 3 लिख लें या 1/3x लिख लें, एक ही बात है कि आपके पास यहाँ पे अगर इस तरह हम देखें कि आपके पास x के साथ वैल्यूज़ क्या हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में है, या हम कह सकते हैं कि x के नीचे वैल्यूज़ हैं यानी डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ x को डिवाइड कर रही हैं वैल्यूज़, ठीक है। पहले जब हमने क्वेश्चंस किए, आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 में देखें या यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कि आपके पास जो वेरिएबल्स थे उनके साथ वैल्यूज़ क्या हो रही थी, सिंपल मल्टीप्लाई हो रही थी। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3। यहाँ सिंपल आपके पास मल्टीपल में जो वैल्यूज़ थी वो आपके कॉन्स्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी, यहाँ जब आप देखें सिंपल डिजिट्स थे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में 1/3, 1/4 इस फॉर्म में आपके पास वैल्यूज़ हैं जो एक्स के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, मीन टू हम कह सकते हैं कि 3x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, एक्स बाय 3 भी इसको हम राइट हैंड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 7/3x = 7, इसको सॉल्व आउट करते हैं, देखते हैं कि इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहले जो हमने क्वेश्चन किए तो हमने कहा कि x के साथ जो वैल्यू होती है उसी के साथ अगर आप डिवाइड कर दो, ठीक है, x के साथ जो वैल्यू होती है उसके साथ डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर बोथ साइड्स पे आपने डिवाइड करना, तब आपके पास x क्या हो जाता है, सेपरेट होता है, उसका आंसर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप देखें x के साथ क्या है, 1/3 राइट है, तो इसको हम इस तरह फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ये क्या हो सकता है, इसको हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। 1/3x है तो इसको हम लिख सकते हैं x/3, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि 3 क्या है, x के नीचे आ सकता है, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/3x को हम लिख सकते हैं x/3। अब 3 डिवाइड है तो हमने 3 डिवाइड है तो ये 3 को ख़त्म करना है। आपको पता है जब मल्टीप्लाई होता था हम उसी टर्म से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। अब डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसी टर्म से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। याद रखना है कि x के साथ जो भी वैल्यू है अगर वो मल्टीप्लाई होती है तो उसी उसको ख़त्म करने के लिए उसी वैल्यू से हम बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू x के साथ डिवाइड हो रही है तो डिवाइड वाली वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी वैल्यू से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब 3 है आपके पास, 3 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कि आपके पास हो जाएगा 3x/3 = 3x7, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 से 3 की कैंसिलेशन हो जाएगी, तो ये आपके पास रिमेनिंग क्या रहा, x और 7 को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3 = 21, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x = 21। 3 का टेबल 7 तक रीड आउट कर लेंगे, 7 × 3 = कर लें तो 21 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, आपके पास जो x में वैल्यू अगर वो मल्टीपल फॉर्म में है तो उसी वैल्यू से आप बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देते हो, अगर डिवीजन फॉर्म में है तो उसी वैल्यू से आप बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है शॉर्ट फॉर्म कि अगर मल्टीप्लाई है तो उसी वैल्यू से बोथ साइड्स पे डिवाइड करना है, अगर डिवाइड हो रही है तो उसी वैल्यू से बोथ साइड्स पे आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो उसका एक पार्ट और कर लेते हैं हम, क्वेश्चन 5 के ई पार्ट की तरफ चलते हैं। 3-1/4y = 2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3-y/4, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टेप को, लेकिन चलिए हम लिख लेते हैं ताकि आपके लिए इजी रहे समझना। तो हमारे पास क्या हो गया, 3-y/4 = 2 आ गया, ठीक है। तो आपने अब ये क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये आपके पास जो 3 है इसको आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, रिमेनिंग यहाँ पे क्या रहेगा, -y/4
ठीक है, और टू, और जब ये थ्री साइड पे मूव ऑन होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक है, टू यहाँ पे, जब थ्री था ये पॉजिटिव वैल्यू थी, जब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आई तो ये हो गया माइनस थ्री, माइनस वाई बाय फोर आपके पास ऐसे ही आ गए। ठीक है, टर्म इक्वल टू टू माइनस थ्री आगे पास क्या आंसर आ जाएगा, टू ये टू प्लस का है, थ्री माइनस का है, प्लस माइनस माइनस मीन्स टू से थ्री में से टू को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वन। थ्री चूंकि बड़ी वैल्यू उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस तो आप लोगों को बच्चे करना आता है कि प्लस माइनस माइनस या प्लस 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 होता है, ठीक है, लेकिन जब आप साइन लगाते हो उसमें वहाँ आप यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि प्लस का साइन आना या माइनस का। तो आपने याद रखना है रूल कि अगर आपके पास जो बड़ी वैल्यू होती है, जो बड़ी बड़ा डिजिट होता है उसके साथ जो भी साइन होता है वो प्लस का है तो आपने फिर वहाँ पे प्लस का साइन लगा दें, और प्लस का नाम भी लगाएं तो आपको मीन्स टू से वो कॉमन सेंस की बात है कि वहाँ पे प्लस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है वो। ठीक है, अगर आपके पास माइनस का साइन है, हमेशा अगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो आपने आंसर में भी माइनस लगाना है। ठीक है, अब आ गया माइनस वाई बाय फोर इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब फोर क्या हो रहा है, वाई के साथ डिवाइड हो रहा है, तो आपको सिंपल क्या चाहिए, वाई। ठीक है, तो यहाँ पे है माइनस वाई बाय फोर, तो आप क्या करोगे, बोथ साइड्स पे माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई बाय फोर इक्वल टू माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। ठीक है, और आप यहाँ पे ये चीज़ भी कर सकते हैं कि बोथ साइड्स पे देखें, यहाँ माइनस फाइव बाई फोर है, यहाँ माइनस वन, तो माइनस से माइनस कैंसिलेशन हो सकती है, माइनस से माइनस कट कर सकते हो सकता है। ठीक है, यहाँ से माइनस कटिंग हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे कर देंगे बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, वो कर लें आप, बोथ साइड्स पे कटिंग कर लें या माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है, तीनों स्टेप्स आप कर सकते हैं परफॉर्म। ठीक है, अगर ये करना चाहें कैंसिलेशन डायरेक्ट करना चाहें तो यहाँ नीचे क्या आ जाता है, वाई बाय फोर इक्वल टू वन आ जाता है, वो भी ठीक स्टेप रहता। अगर बोथ साइड्स पे आप माइनस से मल्टीप्लाई करते देन आप फिर दूसरे स्टेप में इनको सिंप्लीफाई करके राइट करते तब भी ठीक है, अगर आप माइनस फोर से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे तब भी ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर से फोर की कैंसिलेशन हुई तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आंसर वाई आ गया। ठीक है, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, फोर। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो वाई आपके पास क्या आ गया, फोर आ गया। सिंप्लीफाई आपने किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो न्यूमेरिकल वैल्यूज थी आपके पास कॉन्स्टेंट्स थे उसको आपने राइट हैंड साइड पे मूव करवाया, उनको आपने प्लस माइनस किया, जो आपके पास वैल्यूज़ आई, फिर आपने देखा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होती हैं वैल्यूज़ या डिवाइड हो रही थी, तो हमने उसी वैल्यू से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वाई का आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन फाइव आपके पास टू पार्ट्स हम कर चुके हैं, बाकी पार्ट्स भी सिमिलरली इसी तरह हैं, इसी पैटर्न को देखते हुए आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। क्वेश्चन सिक्स की तरफ चलते हैं, x इक्वल टू ट्वेल्व माइनस वन बाई थ्री एक्स। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, कुछ इस टाइप की फॉर्म हो वैल्यूज टर्म्स की है जिसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमने ये परफॉर्म करना है कि हमने वेरिएबल्स को एक साइड पर राइट करना है। ठीक है, इनको हमने इकट्ठा करना है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक्स ऐसे ही है, माइनस वन बाई थ्री एक्स जब राइट लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करेगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस वन बाय थ्री एक्स। ठीक है, सिंपल आपने क्या किया कि आपके जो वेरिएबल था उसके उसको आपने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवा दिया। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर लिया, कॉन्स्टेंट्स को हमने सेपरेट कर लिया। यहाँ राइट हैंड साइड पे आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, ट्वेल्व रह गया। ठीक है, अब है एक्स प्लस वन बाय थ्री एक्स, मीन्स टू से ये आपके पास कैसे बन गया, एक्स प्लस एक्स बाय थ्री इक्वल टू ट्वेल्व, ये आपके पास फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो अब आपको देखने से पता चल रहा है x प्लस एक्स बाय थ्री, तो इसमें आपके पास क्या चाहिए, आपको एलसीएम लेना है। यहाँ x के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, थ्री है, तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में थ्री चाहिए, तो आप सिंपल क्या करोगे, थ्री से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, थ्री से डिवाइड भी कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स डिवाइडेड बाय थ्री, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल टू ट्वेल्व हो गया। ठीक है, आपने सिंपल ये जो x था उसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। क्यों ऐसा किया, चूंकि हम दोनों के नीचे डिनोमिनेटर को क्या करना चाहते थे, सेम करना चाहते थे, ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो। ठीक है, आप डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, डायरेक्ट वो स्टेप भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आती वैसे तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना, आप सीख चुके हैं पहले भी, आपने सीखा हुआ है, तो आपने डिनोमिनेटर को सेम, जिस नंबर जो नंबर नीचे डिनोमिनेटर में लेके आना होता है उसको उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसको डिवाइड भी करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 से मैंने डिवाइड भी दिया, तो आप लेते हैं इसका एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, और यहाँ ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, थ्री एक्स प्लस एक्स और इक्वल टू ट्वेल्व आपके पास राइट हैंड साइड पर, थ्री एक्स प्लस एक्स के आपके पास हो जाता है फोर एक्स डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल टू ट्वेल्व, ये आपके पास
वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने यहाँ पे x को सेपरेट करना है, x का आंसर फाइंड करना है। अगर आप देखें, हमने यही बात की थी ना कि अगर कोई चीज़ x के साथ या कोई नंबर आपके पास x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4। इट्स मीन कि हमने बोथ साइड्स पे 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब यहाँ पे वैल्यू थी फ्रैक्शन फॉर्म में 4/3, 4 मल्टीप्लाई है और 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब 4 मल्टीप्लाई है तो मीन्स टू से 4 को ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड्स पे 4 से क्या करना है, डिवाइड। 3 डिवाइड हो रहा है x के साथ, तो 3 को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, बोथ साइड्स पे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। रूल आपको याद है ना, अगर मल्टीप्लाई है तो हमने उसको ख़त्म करने के लिए डिवाइड करते हैं उस नंबर से। अगर डिवाइड हो रहा है कोई नंबर तो उसको ख़त्म करने के लिए उसी नंबर से हम बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ सिंपली हम क्या करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 4x/3, ठीक है। कैसे कि 4 मल्टीप्लाई था x के साथ, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, बोथ साइड्स पे डिवाइड। तो ये एक मिनट, आपके पास 3/4 मल्टीप्लाई/12। चलें अब देखते हैं इसको कि आपके पास क्या था, 4x के साथ क्या था, मल्टीप्लाई। तो इट्स मीन कि बोथ साइड्स पे 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये देखिए, यहाँ भी 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 4 डिवाइड हो रहा है, और 3x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 3 को ख़त्म करने आपके लिए आपने क्या करना है, बोथ साइड्स पे 3 से मल्टीप्लाई। तो देखिए, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो सिंपल हमने क्या किया, अगर यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में जो वैल्यूज़ आती हैं x के साथ, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज़ आएँ तो आप सिंपली क्या करते हो कि उसका ऑपोजिट, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हो, उसको उलट करके जो वैल्यूज बनती है, जो टर्म बनती है, उससे आप बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर 4/3 है तो आप बोथ साइड्स पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 से, ठीक है। अगर 5/3 होता तो बोथ साइड्स पे किससे मल्टीप्लाई करते, 3/5 से। 7/4 होता तो किससे मल्टीप्लाई करते बोथ साइड्स पे, 4/7 से, ठीक है। समझ आई कि x के साथ जो टर्म्स आपके पास होती हैं आपने उसका रेसिप्रोकल ऑपोजिट करते हैं, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है, जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए। तो आपके पास अब कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 × 3 4 × 4 हो गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आ गया, x। अब ये है 3/4 मल्टीप्लाई/12, 4 12 को कटिंग करेगा, 4 × 3 = 12, तो आंसर क्या आ गया, 3। तो 3 × 3, तो आपके पास x क्या आ गया, 3 × 3 क्या आपके पास हो गया, 9। तो x आपके पास क्या आ गया, 9। तो ये आपका आंसर आ गया। सिंपली हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, वेरिएबल्स को एक साइड पे इकट्ठा किया, देन हमने फिर LCM हमें चाहिए था तो हमने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए x को उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। देन आपने LCM लिया, LCM लेने के बाद आपने x को सेपरेट करना था, अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उसके साथ जो फ्रैक्शन थी उसका आपने रेसिप्रोकल कर लिया, ऑपोजिट करके उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। 4/3 है तो आपने 3/4 से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया। कैंसिलेशन की, टेबल्स को रीड आउट किया आपने, कटिंग की, तो आपके पास x क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब एक पार्ट आप हम और कर लेते हैं, तो सही पार्ट करते हैं, y/2 − 1/5 = 2 − y/3। इसमें आपके पास क्या है, लेफ्ट राइट, आपके पास जो आपके पास वेरिएबल फॉर्म है वो फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, ठीक है। y/2 है और राइट हैंड साइड पे y/3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि वेरिएबल्स को एक साइड पे मूव ऑन करवाएंगे और कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साइड पे राइट करेंगे, ठीक है। अब y − y/3 जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +y/3। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिला आपको, y/2, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, +y/3 = ये यहाँ पे डायरेक्ट मूव ऑन करवा दूँ, ये आपके पास क्या है, 2। तो −1/5 जब इस साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1/5, ठीक है। मैंने वेरिएबल्स को एक साइड पे मूव करवा दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कांस्टेंट टर्म्स थे उनको इकट्ठा कर दिया राइट हैंड साइड पे, ठीक है, डायरेक्ट मैंने ये स्टेप कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जैसे मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में दोनों वैल्यूज़ हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने LCM लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, ताकि इनके क्या हो सकें, डिनोमिनेटर सेम हो सकें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3y 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये प्लस y को करेंगे 2y, इसको हम 2 × 3 = इसी तरह हम राइट हैंड साइड पे भी डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 5, तो यहाँ इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, +1/5, ठीक है। मैंने ये काम इकट्ठा ही कर लिया बोथ साइड्स पे, ठीक है। ये क्या हो गया, 3y / 3 × 6 प्लस ये क्या हो गया, 2y / 6, ठीक है। इसमें ज़्यादा मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही कि चूँकि आप ये चीज़ें पीछे सीख चुके हैं पहले। 5 × 2 क्या हो गया, 10/5 + 1/5, ठीक है, आपके पास ये टर्म्स आ गए। अब आपने सिंपल इस पे LCM लेते हैं, 6 3y + 2y, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में और 10 + 1 आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 3 + 2 आपके पास क्या हो गया, 5y,
और डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 10 प्लस 1 क्या हो गया 11 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या चाहिए, y का आंसर चाहिए। इसके साथ क्या राइट है, 5/6। तो हमने वही बात की कि जो आपके पास टर्म है उसको आप ओपोजिट कर लें तो क्या हो जाएगा, 6/5। ओपोजिट करेंगे, उलट करेंगे इसका, तो वो क्या बनेगा, 6/5। तो 6/5 से आपने क्या करना है, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना है। 5y/6 डिवाइडेड बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 11/5। हाँ सॉरी, ये 6/5 था, ठीक है। 6/5 से आपने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 6 से 6 कटिंग हो गया, 5 से 5 कैंसिलेशन, तो यहाँ पे क्या आपके पास आया, y आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया, y इक्वल टू 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 66। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 25, ठीक है। तो ये आपके पास y का आंसर आ गया। सिंप्लीफाई हमने किया, हमने जो आपके पास वेरिएबल फॉर्म थी, फ्रैक्शन वेरिएबल फ्रैक्शन फॉर्म में था, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवा दिया। जो आपके पास कांस्टेंट टर्म्स थी उसको हमने राइट हैंड साइड पे मूव करवा दिया। देन हमने डिनोमिनेटर सेम किए ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो, ठीक है। नीचे हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6, आपके पास 6 एलसीएम में आना चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली को हमने 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 से डिवाइड, और यही जो हमारे पास टर्म थी इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, ताकि हम डिनोमिनेटर को क्या कर सकें, सेम कर सकें। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ गया, 6। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर को सेम करना था, यहाँ पे 1/5 था तो 2 के नीचे 5 लाना है, तो इसलिए लिए हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई भी किया, 5 से डिवाइड भी, तो ये क्या बन गया, 10/5। यहाँ एलसीएम लिया तो ये आ गया 3y + 2y / 3, और यहाँ क्या हो गया, 5 नीचे आया और 10+1 ऊपर आ गया, ठीक है आपके पास। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5y/6 = 11/5। आपने 5/6 को ख़त्म करना था तो बोथ साइड्स पे 6/5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिलेशन की, यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे ये मल्टी कैंसिलेशन नहीं हो सकती थी, कोई चीज़ नहीं कट रही थी, तो ये आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया, 66/25, ठीक है। अब अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लेके आना चाहो तो आप क्या करेंगे, 66 को अंदर रखेंगे, 25 पे डिवाइड करेंगे, 25 का टेबल आप जब करते हैं 2 पे, इसको 2 पे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 × 25, 25 × 2 = 50, ठीक है, 25 × 3 = 75, ठीक है। तो आपके पास 66 से बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, 25 × 2 = 50, ये आपके पास आया। 66 में से 50 जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6 में से 5 गया 1, तो ये आपके पास कैसे आंसर आ गया, x = 2 16/25। तो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया, ठीक है। आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में लिख लें, कोई मसला नहीं, दोनों आंसर आपके पास क्या हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से लेके इनको डेसिमल फॉर्म में भी आंसर को राइट हैंड कर सकते हैं, ठीक है। आप डेसिमल फॉर्म में लिख दें, आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें, आप सिंपल फ्रैक्शन में लिख दें, तीनों आंसर आपके पास क्या होंगे, ठीक होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। बाकी जो 2 पार्ट्स रह गए हैं वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप उसको खुद सॉल्व आउट करेंगे।